नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे ग्रिप्स कॉटन शेयर पैर टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम जो एक्चुअल चीज़ें उन सब चीज़ों को देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जो हम चीज़ बता रहे हैं अगर वो कंपनी लगातार गिरती है, नहीं बढ़ रही है, तो दोस्तों ये कंपनी के शेयर की वैल्यू एक्सपर्ट के मुताबिक ऊपर नहीं जा पाएगी। इसके काफ़ी सारे कारण हैं जो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है कंपनी के निवेशकों के लिए। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कंपनी की आपको प्रोफाइल देखने मिल जाए, कंपनी की जर्नल चीज़ें वो सब दी हुई है। जैसे कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है, कंपनी की मार्केट कैप टाइप जो है स्मॉल कैप है, और कंपनी की जो मार्केट कैप वैल्यू है 3,006 करोड़ की रही हुई है, और कंपनी जो है इंडस्ट्रियल मशीनरी में मुख्य रूप से काम करती है। अगर कंपनी के रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो भाई कंपनी की जो शुरुआत है 1859 में हुई थी। उस समय में कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से सीलिंग फैंस के अलावा अन्य कुछ इलेक्ट्रॉनिक साधनों को बनाया जाता था। कंपनी जब शुरुआत की उस टाइम में कंपनी सीलिंग फैंस हो गए और अन्य इलेक्ट्रिकल जो चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स उन सब चीज़ों को बना रही थी। फिर कंपनी ने 1939 से डीजल इंजन को बनाना शुरू किया। इसी तरह समय के साथ आगे बढ़ते हुए कंपनी ने काफ़ी सारी नई प्रोडक्ट को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया। आज के समय में कंपनी सिर्फ एक ही नहीं बल्कि मल्टीपल सेक्टर में काम कर रही है, जैसे भाई पावर सॉल्यूशन हो गया, एग्री सॉल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन हो गया। इसके अलावा अगर देखें तो लाइट कंस्ट्रक्शन, ग्रिप्स ऑटो, यूमार्टी, मतलब कंपनी मल्टीपल सेक्टर में काम कर रही है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये तो थी कंपनी के बारे में एक शॉर्ट सी जानकारी। अब हम कंपनी की जरूरी चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में होने वाले बड़े बदलाव। तो दोस्तों अगर हम पिछले 5 साल में देखें तो भाई 3 जून 2019 को, मतलब 5 साल पहले 152 रुपये के आसपास शेयर की वैल्यू ट्रेड किया करती थी, और अगर 5 सालों के बाद देखें 27 मई 2024 को, तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 121 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, और मैक्सिमम देखें तो भाई ये वैल्यू हुई है 258 रुपये के आसपास। यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में 152 रुपये से लेके 258 रुपये तक का सफर तय किया है, जो कि ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं कहा जा सकता है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में -19% का रिटर्न निवेशकों को दिया है, क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं कंपनी के शेयर की वैल्यू लगातार गिरते हुए देखी जा सकती है। यहाँ पे बढ़ी है, फिर वापस से काफ़ी ज़्यादा गिर गई, फिर इसमें गिरावट देखी गई है। मतलब कंपनी की वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा अप डाउन आ रहे हैं, पर कंपनी की वैल्यू जो है ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही है। इसलिए कंपनी ने जो है -19% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। तो इसको हमने एक माइनस पॉइंट में रखा है, यहाँ पर हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पर हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कंपनी ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, तो इसको हमने एक माइनस पॉइंट दे दिया है। अब हम कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखते हैं। तो अगर 2019 में देखें तो भाई कंपनी के द्वारा 2,059 करोड़ की रेवेन्यू बनाया जाता था 2019 में, और कंपनी जो है 164 करोड़ का नेट इनकम बनाती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 2023 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 2,000 से बढ़ के 2,771 हो चुका है, 71 करोड़ हो चुका है, ठीक है। और नेट इनकम 164 से घट के हो गए 78। अगर नेट इनकम को दोस्तों अगर बारीकी से देखें तो देखिए नेट इनकम में लगातार गिरावट देखी जा सकती है। कंपनी जो है 2021 में 2022 में नुकसान में चल रही थी, 0 नेट इनकम बनाई थी, ठीक है। और 2023 में कंपनी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाते हुए देखी जा सकती है। यानी इससे देखा जा सकता है कंपनी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो भी ज़्यादा अच्छी तरह से कंपनी फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं रही हुई है, जो कि एक माइनस पॉइंट है निवेशकों के लिए। तो इसको भी हमने एक माइनस पॉइंट में रख दिया है। अब हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कहीं ऐसा तो नहीं भी कंपनी अपनी संपत्ति को भी लगातार बेच रही हो, तो वो भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर 2019 में देखें तो भाई कंपनी के पास 1,454 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी 2019 के साल में, और अगर 2023 में देखें तो कंपनी की संपत्ति हो गई है 2,717। यानी कंपनी की संपत्ति में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है, जो कि प्लस पॉइंट है निवेशकों के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी अपनी संपत्ति में लगातार निवेश कर रही है तो इससे कहा जा सकता है कंपनी अपने नए एसेट्स को बढ़ा रही है, और इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ सकेंगे। अब हम देखेंगे कि भाई कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का भी लाभ दे पा रही है या नहीं। तो कंपनी 2023 में डिविडेंड दिया, 22 में दिया, 21 में दिया, 19 में दिया और 18 में दिया। मतलब कंपनी अपने निवेशकों को लगातार डिविडेंड का लाभ दे रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और यहाँ पे आप दिए गए डिविडेंड की वैल्यू को भी देख सकते हो। तो दोस्तों इसको भी हम एक प्लस पॉइंट दें, क्योंकि अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने के रूप में संकेत करता है, और निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत भी है, ठीक है। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया। अब हम देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न की भाई कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। तो सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 56% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जिसमें से कंपनी ने किसी भी प्रकार से कोई भी होल्डिंग को बैंक में गिरवी नहीं रखा गया, पूरी तरह से कंपनी के पास रही हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के द्वारा लगभग 9 के बराबर कंपनी में होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। उसके बाद है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, है जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके द्वारा 3.30% की होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। विदेशी इन्वेस्टर के द्वारा कंपनी में 2.81% की होल्डिंग की गई है, ये भी एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर इसमें 37% रहे हुए, इसको भी लगभग एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। तो दोस्तों अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो वो भी अच्छा देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें कंपनी में
भारत के बड़े इन्वेस्टर भी लगभग अच्छी मात्रा में और विदेशी इन्वेस्टर भी अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं, ठीक है। और कंपनी ने किसी प्रकार से अपने शेयर को गिरवी भी नहीं रखा गया, जो कि एक प्लस पॉइंट हम इसको दे सकते हैं, तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल चीज़ की बात करें तो इसमें हमें 3 प्लस पॉइंट देखने मिले और 2 माइनस पॉइंट देखने मिले, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। इसके अलावा हमें जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।